अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शादी से पहले प्रेमी संग प्रेमिका हुई फरार, परिजनों ने बेटी का कर दिया अंतिम संस्कार। जी हां, विधिवत रूप से अंतिम संस्कार परिजनों ने कर दिया। प्रेम विवाह को भले ही कानून स्वीकारता हो, लेकिन समाज स्वीकारेगा, परिवार स्वीकारेगा, यह आवश्यक नहीं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिले के बनवनखी अनुमंडल क्षेत्र के बहुरा पंचायत में एक अनोखा मामला सामने आया, जिससे सब हैरान है। तय शादी से पहले प्रेमिका अपने प्रेमी के संग भाग गई। युवती के परिजनों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपनी ही बेटी का अंतिम संस्कार कर डाला। कितना आहत हो गए कि आज उनका आप लोग श्राद्ध और दाह संस्कार करने आ गए हैं, क्या मामला हुआ था? मामला बीए फाइनल कर ली थी उसका कुट में थी, फाइनल कर रहे थे, गई पूर्णिया मार्क से निकालने के लिए, वहीं से लापता हुई। आज परिवार में से वो टूट गई जी। आप लोग भी इसको लेकर बहुत सारा दौड़ भाग किए होंगे जी। क्या आपकी बेटी वापस आने का प्रयास नहीं की जी? नहीं। आप लोगों से एक बात हो पाया उनसे जी? नहीं। जिस तरह का कदम उठाया है उसको लेकर समाज में आप संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे लिए वो मर गया, समाज के लिए मर गया। एक पिता का ये दिल का जो निकल रहा है, इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा कि जो भी बेटी इस तरह से करेगी तो उनका पिता यही करेंगे जी? क्या कहना चाहेंगे अपनी जो भी आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, मेरे पास पहाड़ टूटा हुआ है, मेरा जो फर्ज था हम लड़की के नाम से नख बाल उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं जी। क्या परिचय है आपका? किशोर कुमार सिंह, किशोर सिंह। घर कहाँ? मसूरिया, वार्ड नंबर 13। ये आज किसका दाह संस्कार हो रहा है? मैं अपनी बहन का। क्यों कर रहे हैं दाह संस्कार? हम लोग उसका शादी लगवाए थे, वो घर से निकल गई। कब शादी होना था? अगले महीने नवंबर में। कब निकली है? 27 तारीख को। किसके साथ कहाँ गई? चंपानगर का एक लड़का है नीरज कुमार, उसी के साथ। उसको लेकर आप लोग समाज में बैठ के बातचीत करना चाहे? नहीं, हम उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, उसको कभी भी नहीं लाएंगे। आज उसका जो भी अंतिम संस्कार जो है अभी कर रहे हैं। इनका विधिवत सभी कार्यक्रम करेंगे आप लोग? सभी कार्यक्रम जो होता है, श्राद्ध के बाद जो भी होता है, भोज भात सब? हाँ, सब करेंगे। इतना दुख क्यों आप लोगों को? बहन थी उसकी शादी लगा आए थे, वो भाग गई घर से, निकल गई, क्या करे? आप कितने भाई हैं? हम अकेले हैं। बहन कितनी है? बहन 2। ये बड़ी थी? छोटी थी। इससे पहले चली गई? बड़ी भी चली गई थी, ये भी चली गई। तो ये पढ़ी लिखी है? हाँ। कितना? बीए फाइनल। तो अब इतना परिवार के तरफ से सपोर्ट मिलने, स्वतंत्रता के बाद भी परिवार में इस तरह का कदम उठाया जी, इससे आप लोग आहत हैं जी। तो ये जो दाह संस्कार आज हो रहा है इसमें पूरे गांव, पूरे समाज आपका साथ दे रहे हैं? हाँ, पूरे गांव। सभी का क्या कहना है? सभी का कहना है कर दो दाह संस्कार, कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। वो तो कहीं ना कहीं जीवित है, लेकिन आज उनका जो एक है उनका पूरा हम अपने कुल खानदान से उसका नाम निशान मिटा दिए। क्या नाम था आपका बहन का? प्रियंका कुमारी। आपका क्या नाम है? प्रशांत कुमार सिंह। घर कहाँ है? मसूरिया, राजपुर। तेरह। यह पूरा मामला पूर्णिया जिला के बनमनखी प्रखंड अंतर्गत बहोरा पंचायत वार्ड संख्या 13 का है, जहां एक युवती की शादी परिजनों ने तय कर दिया, लेकिन प्रेमिका ने प्रेमी के साथ भागना ही बेहतर समझा और घर छोड़कर विवाह से पहले भाग गई। बता दें कि 27 जून को दिन के लगभग 12 बजे युवती प्रियंका कुमारी अपने घर से मार्कशीट लेने के लिए पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया गई थी। जब शाम तक वापस नहीं आई तो परिजनों ने तलाश शुरू किया,
पता चला कि चंपा नगर बाजार निवासी मनोज कामदे के पुत्र नीरज कुमार द्वारा शादी के नियत से उन्हें अपने साथ कहीं लेकर चला गया। लड़की के लिए जिन लड़की का दाह संस्कार किया गया, क्या परिजन उनके साथ किसी दोहरी नीति अपना रहे थे या उनको सर्वश्रेष्ठ दिए थे? अब देखिए, आज के ज़माने में उसके पिताजी का जो आर्थिक स्थिति है, वो ग्रेजुएशन किया हुआ लड़की है, उसमें भी हर क्लास में फर्स्ट डिवीज़न, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर उसके साथ दोहरी नीति होती तो क्या वो उतना जगह पहुँच पाता। दूसरी बात, लार प्यार भी उसको उतना मिला, जिस कारण से उन्होंने अपने पिताजी के साथ, अपने कुल खानदान के साथ कैसा किया कि आज उसका पिताजी सर उठाने लायक नहीं है, जिस कारण से आज ये स्थिति जो आप लोग देख रहे हैं कि उनके नाम से दाह संस्कार किया गया, तो कितने दुख की बात है। लेकिन चाहते तो कोई नहीं थे ना, अगर चाहते उनके नाम से कि दाह संस्कार करना, तो आज ना वो ग्रेजुएशन कर पाती और ना वो आगे का दुनिया देखती। इस तरह के मामलों से जो बच्ची अपने पिता और माता परिजनों पर विश्वास करके आज पढ़ रही है, आगे जाना चाहती है, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचेगा, उन पर भी ब्रेक लगेगा, गार्जियन को तो कहीं ना कहीं सबके दायरे में आएंगे, तो ये एक दो अपवाद से पूरा समाज पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि बच्चे को भी समझना चाहिए, अगर जो गार्जियन हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो उस चीज़ को बच्चे को भी निभाना चाहिए। फिर क्या था, चंपानगर ओपी में लिखित शिकायत दी गई। इसी बीच नाराज भाई प्रशांत कुमार के साथ परिजनों ने अपनी बहन प्रियंका कुमारी की विधिवत अर्थी सजा दिया, रिश्तेदारों के साथ शव यात्रा किया, घर के बगल में खेत पर संपूर्ण विधियों के साथ अंतिम संस्कार कर डाला। बता दें कि भाई प्रशांत कुमार ने कहा कि उसके लिए उसकी बहन अब मर चुकी है। निकाले गए अर्थी में युवती की तस्वीर भी लगाई गई, अर्थी को अपने खेत पर ले जाया गया और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार कर दिया गया। वहीं दाह संस्कार में उपस्थित पिता ने कहा कि अपनी पुत्री की परवरिश में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दिया था, पुत्री आगे पढ़ना चाहती थी, पूरे परिवार ने मिलकर सहयोग भी किया, मगर उसी बेटी ने समाज में अपमानित होने के लिए उसे छोड़ दिया, इसलिए आज उनका दाह संस्कार किया गया है। बता दें कि तय तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म भी किया जाएगा और ऐसे बच्चों को अपने भविष्य के फैसले लेने से पहले अपने बुजुर्गों का ख्याल करना चाहिए, परिवार का ख्याल करना चाहिए, इसकी भी खूब चर्चा पूरे गाँव में हो रही है। बहरहाल उनके पिता द्वारा दाह संस्कार करना, भाई द्वारा दाह संस्कार करना कितना जायज है, आप कमेंट पे जरूर बताएं। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट, तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार, हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826 227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।